नमस्कार, न्यूज़ बिहार में स्वागत है आपका। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक रैली की थी। इस रैली के दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया था। उस शक्ति प्रदर्शन का मेन मंत्र ये था कि कांग्रेस अपने ही घटक के दलों को ये बताना चाहती थी कि वो बड़ी है, वो बिहार में सबसे ज़्यादा जनाधार लेकर वापसी करेगी, और इतना ही नहीं, भाजपा को सबसे बड़ी टक्कर अगर कोई देना देगी तो वो है कांग्रेस। ये सभी बात अपनी जगह पर है, मगर आज इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद आपको महागठबंधन की तत्कालीन स्थिति समझाना और कांग्रेस के मन में चल रहे जो भी अलग अलग बातें हैं वो स्पष्ट करना। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अनंत सिंह को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस अनंत सिंह को चुनाव लड़ना चाहती है मुंगेर से, और इतना ही नहीं, दरभंगा सीट पर भी आरजेडी के साथ दो दो हाथ करने के लिए उन्होंने कीर्ति आजाद को अपनी पार्टी में शामिल करने का मन बना लिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी जानते हैं। आगे की कहानी यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है, पहले से भी थे। उनकी माँ और उनकी पत्नी दोनों कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। पत्नी जहाँ अभी फिलहाल कांग्रेस के सांसद हैं, वहीं पार्टी की बात की जाए तो जाप जो पार्टी है उसे कांग्रेस में कभी भी विलय हो सकता है, ऐसा पप्पू यादव ने इशारों इशारों में बता दिया है। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर महागठबंधन में पप्पू यादव की स्थिति को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से स्पष्ट है, और इसी वजह से पप्पू यादव कॉन्फिडेंट में है। पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं वो महागठबंधन के पक्ष में है, मगर आरजेडी के विपक्ष में है। लगातार पप्पू यादव अपने बयानों के माध्यम से तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाए हुए हैं, लालू परिवार पर प्रेशर बनाए हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके बयान कांग्रेस के तरफ से लगते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, रैली को लेकर भी चर्चा हुई और कांग्रेस और जाप के भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ बिहार में एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद ये शुरू हो गया कि बिहार की मीडिया ने तीसरे फ्रंट की जो कामना है, जो तीसरे फ्रंट की जो कल्पना है, उसको हवा देना शुरू कर दिया। कहा यह गया कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट का निर्माण करेंगे। इतना ही नहीं, इस थर्ड फ्रंट में बहुत सारी अन्य पार्टियों को भी लेकर आएंगे, जैसे कि रालोसपा और हम। हालांकि एक बात स्पष्ट है, हम जिस परिस्थिति में है यहां से वो बहुत प्रेशर नहीं बना पाएगा महागठबंधन के ऊपर, क्योंकि हम में खुद ही टूट चल रही है। अगर बात रालोसपा की करें तो रालोसपा भी बैकफुट पर है। कुछ दिनों पहले जब रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को डंडे पड़े थे नीतीश की पुलिस द्वारा, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं लगे थे उनसे मिलने के लिए। हालांकि ऐसे ही कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव के बयान ये भी साबित करते हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में आरजेडी की स्थिति को लेकर भी बहुत संशय में है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस महागठबंधन में लीड करना चाहती है, ऐसा ही वो भी करते हैं जब उनको मौका मिलता है। कांग्रेस को छोड़कर जो भी मंच बनता है मोदी जी के खिलाफ वहां वो जाते हैं, इसके कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन में है तो वो इस महागठबंधन के धर्म का पालन करें। मगर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पूर्व काल में अनंत सिंह रहे हैं, उसके बाद अब कीर्ति आजाद बन गए हैं, ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जैसे पप्पू यादव हैं। इन फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो दूरी है वो घर में ही बढ़ती जा रही है। महागठबंधन के ये दो बड़े दल कहीं ना कहीं आज जिस परिस्थिति में है उसमें एक बात तो स्पष्ट हो रही, आने वाले समय में इन दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में कौन किसके साथ है ये समझना जरूरी है। जहां आरजेडी के साथ एलजेडी है, हम हैं, वहीं कांग्रेस के साथ रालोसपा है, और यही सबसे बड़ी बात है। रालोसपा के अलावा कांग्रेस के साथ जाप है। जाप अगर पप्पू यादव की पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के सपोर्ट में आ जाती है तो कुछ ना कुछ आरजेडी का जनाधार भी उठाकर लाएगी। वो कैसे लेकर आएगी ये भी सुन लीजिए। पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, उस बात का मतलब समझिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने से कोई दिक्कत नहीं है। उनके परिवार के सदस्य कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, उनकी पत्नी अभी भी कांग्रेस की सांसद हैं, उनकी माँ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, और उन्हें राहुल गांधी में विश्वास है। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव का इस तरह से बयान देना एक बात स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इशारों में पप्पू यादव को यह कह दिया था कि आपका महागठबंधन में वेलकम है। मगर यही बात तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हमेशा बाहर का रास्ता दिखाया, हमेशा उनकी औकात दिखाई है। यही काम पप्पू यादव को जब मौका मिलता है तो वो तेजस्वी यादव के लिए करते हैं। हालांकि जहां एक तरफ पप्पू यादव ने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री माना, वहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि मैं इन्हें कभी भी अपना नेता नहीं मान सकता हूं,
लालू यादव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव का एक दौर था जब लालू यादव गरीबों के लिए काम करते थे। आज लालू जेल में है, उनकी तबीयत खराब है और उनकी लाश पर राजनीति आरजेडी कर रही है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव के जनाधार को खत्म तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आरजेडी की जो कोर टीम है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की नजर बिहार पर नहीं है, तेजस्वी यादव की नजर राष्ट्रीय मंच पर है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बैठते हैं, बिहार की चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ती। अपनी ही पार्टी की रैली से लौट रहे लोगों को की मृत्यु हो जाती सड़क दुर्घटना में और वो उनसे उनके परिजनों से मिलने तक नहीं जाते हैं। यही बात उन्होंने मीसा भारती और राबड़ी देवी के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में मीसा भारती और राबड़ी देवी का किस तरह से मिट्टी पलीत हुआ था लोकसभा चुनाव में, ये सबने देखा था। अब तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि वो कभी उन्हें नेता नहीं मानेंगे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव बिहार को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहते हैं। बिहार की स्थिति परिस्थिति को एक विपक्ष के नेता की तरह, प्रतिपक्ष के नेता की तरह वो कभी हैंडल नहीं करते हैं, वो हर चीजों में अपना मुनाफा देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी भी लोगों से मिलने के लिए, जनता से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, जो कि साबित करता है कि कहीं ना कहीं लालू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उन्हें नहीं आता या फिर वो करना नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव का इस तरह से हमला करना आरजेडी पर, महागठबंधन की सह प्राप्त कर कांग्रेस की सह प्राप्त करके, ये साबित करता है कि आने वाले समय में महागठबंधन की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बिगड़ने वाली है। कांग्रेस और आरजेडी अपना अपना राग अलाप रही हैं, ऐसे में कभी अनंत सिंह, कभी कुशवाहा, कभी कीर्ति आजाद, तो कभी लवली, इन सभी की वजह से और अब पप्पू यादव, इन सभी की वजह से महागठबंधन का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं आरजेडी बैकफुट पर जा रही है और कांग्रेस दिन पर दिन मजबूत हो रही है, चाहे रैली हो या फिर महागठबंधन में सीटों का मांगना, कांग्रेस मुखर होकर अपनी बातों को सामने रख रही है। यही बात महागठबंधन के छोटे दलों को भी अच्छी लग रही है, उन्हें लग रहा है कि आरजेडी का एक विकल्प महागठबंधन में बन गया है। अब यह तो तय है कि महागठबंधन टूट रहा है, मगर यह तय नहीं है कि क्या कांग्रेस के साथ महागठबंधन रहेगा या फिर कांग्रेस थर्ड फ्रंट का निर्माण करेगी। आने वाले समय में इन सभी खबरों पर न्यूज बिहार की नजर रहेगी। और हां, आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब एक नया फीचर आया है ज्वाइन करने का। अगर आप हमारे सोपोसिट चैनल को हेल्प करना चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमें शेयर करना चाहते हैं और हमारी चीज़ों, हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं, तो कृपया ये ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए और हमें, हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।